सो हे व्हाट्सअप क्यूरीज एंड बैक टू माय चैनल, मैं हूँ जियान। आज के स्टूडियो में हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। एंड एज यू नो, मेरी वीडियोस अभी रोज़ नहीं आ रही हैं, तो इस वजह से यूट्यूब ने मेरी रीच कम कर दिया है। व्हाट, सच्ची? आई एम श्योर अबाउट दैट कि यूट्यूब ने ही मेरी रीच कम कर दी है। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट कि मेरी वीडियोस रोज़ नहीं आ रही, बट आई विल ट्राई नाउ कि मैं कल से रोज़ वीडियोस डालूँ एंड आप लोगों को एंटरटेन करूँ। सो लेट्स बिगिन नाउ। तो आज हम लोग माइनक्राफ्ट में ना हमारा छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा घर बनाने वाले हैं। छोटा सा तो नहीं है, बड़ा घर है, लेकिन बहुत प्यारा सा है, मुझे बहुत पसंद आया। सो यहाँ पे आप सामान देख सकते हो मैं कौन सा ले रही हूँ। एंड आपको पता है मैं ये घर क्यों बना रही हूँ, क्योंकि वो जो पिछली वाली सीरीज थी ना घर बनाने वाली, उसको बड़े व्यूज़ मिले थे। इस वजह से मैंने सोचा कि अभी व्यूज़ कम हो गए तो कर लेते हैं वापस से बढ़ाने के लिए ट्रिक। तो मैंने यहाँ पे पिलर क्वार्ट्स भी ले लिए हैं। अगर मुझे कुछ बनाना होगा तो मैं पिलर जैसा कुछ बनाना होगा तो मैं वो बना लूँगी। सो ये ना आप अपने हिसाब से मेजरमेंट कर लेना। मैं ना मेजरमेंट आपको दे दूँगी, नीचे कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूँगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। इसमें एक्चुअली मे बी मैंने 7 लिया है, 7 14, इस वजह से मैंने आप बहुत सारी लिया है। मैंने वो वाली क्या बोलते हैं, हाइट एंड ब्रेथ। सो वो मैं आपको कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ताकि आप भी अपना घर बना सको इजीली। एंड अगर आप ऐसे घर बनाते हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टैग मी, ओके? मतलब हैशटैग में क्यूटीपाई डाल देना, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप लोगों ने मेरा घर ट्राई किया है। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट। एंड ये बहुत छोटा सा तो नहीं होने वाला, बहुत बड़ा घर होने वाला है, लेकिन बहुत क्यूट होगा ये घर। सो लेट्स बिगिन। ये मैं काउंट कर रही थी कि यहाँ पे कितने हुए हैं ब्लॉक, ताकि मैं वो साइड भी सेम बना सकूँ। मैंने समथिंग लाइक 15 रखे थे यहाँ पे, सो मुझे लगता तो है कि मैंने 15 रखे हैं। आप अपने हिसाब से, आपको जितना बड़ा घर चाहिए आप उसके हिसाब से भी मेजरमेंट कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा बड़ा घर रखा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा महल टाइप से बनाना था, इस वजह से मैंने बड़ा घर रखा है। सो आगे देखते जाओ मैं आउटलाइन कैसे बनाती हूँ। एंड इस वीडियो में हम लोग सिर्फ आउटलाइन एंड रूफ बनाने वाले हैं। सो आपको देखते भी मिलेगा कि मैं आउटलाइन कैसे बनाती हूँ, कितनी मेहनत लगती है आउटलाइन बनाने में। भाई आउटलाइन बनाने में टू बी ऑनेस्ट सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, एंड लाइक घर के अंदर जो डिज़ाइन होती है वो करने में। बाकी सारी चीज़ें तो बहुत ही इजीली हो जाती हैं। सो ये आउटलाइन बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। आप लोग अपने हिसाब से आउटलाइन बना सकते हो जैसे आपको बनानी है, लेकिन मैंने जो मेज़रमेंट लिए है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड मेंशनिंग अगेन, ताकि आप लोग बाद में मुझे बोलो ना कि अरे अरे आपने तो मेजरमेंट्स दी ही नहीं। ओके, सो इस वजह से मैं वापस से बोल रही हूँ कि मैंने दे रखी है, सो आप चेक कर लेना एक बार। ओके, सो यहाँ पे मैंने घर की डिज़ाइन थोड़ी सी अलग कर दिया है दोनों साइड से, एज़ यू कैन सी। एंड अभी इसे हम लोग ऊपर बिल्ड करते जाएंगे। एंड आप तब तक देखो एंड आपको मेरी वॉइस मिलेगी वापस से एंड में। तब तक आप म्यूज़िक के साथ ये घर के ट्यूटोरियल को एंजॉय करो। बाय बाय, सी यू सून।
सो एज यू कैन सी मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर किया ना, ऐसे रूफ बना दिया डिफरेंट डिफरेंट कलर ग्लासेस की. सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हिट लाइक, एंड मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.